अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं सऊदी अरब में होता हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, और कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। जो लोग पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, इंडिया में हैं, या किसी भी दूसरी कंट्री में हैं जहाँ पे सऊदी अरब के आज़ाद वीज़ा जो है वो अलाउ हैं, ठीक है, और वो ये सोच रहे हैं कि हम जो है वो आज़ाद वीज़ा लेके सऊदी अरब में आएँ तो हमारी सैलरी अच्छी होगी, हम किसी बाहर किसी भी जगह पे काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये चीज़ें जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूँगा, ये आप किसी अपने रिलेटिव से जो आपका सऊदी अरब में काम कर रहा है, आप ये चीज़ें उससे भी पूछ सकते हैं कि क्या मैंने ये चीज़ें आपको दुरुस्त बताई हैं या नहीं बताई। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आती है इन्वेस्टमेंट, कि आप जो पाकिस्तान में वीज़ा लेते हैं वो 7 से 8 लाख रुपए का विद अकामा, विद 1 ईयर अकामा जो यहाँ का रेजिडेंस परमिट होता है उसके साथ ही, मतलब सारा टोटल जो आपका एक्सपेंस आएगा, जो यहाँ का एक्सपेंस है टिकट को छोड़ के और जो दूसरे लवाजमात हैं पाकिस्तान में उनको छोड़ के, तकरीबन 7 से 8 लाख के लगभग जो है ना आपका इतना लग जाएगा पाकिस्तान में यहाँ पे पहुँचने तक। यानी कि 7 से 8 लाख रुपया लगा के आप जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपकी रिहाइश, आपका खाना पीना वो आपका अपना होता है, सही है, वो आप खुद से करेंगे। अगर आपका कोई रिश्तेदार है आप उसके पास रह लें, या फिर अगर आपका रिश्तेदार नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि आपके जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी कहीं रूम्स में एडजस्टमेंट उनकी हुई होती है, मतलब रूम्स यहाँ पे 300-400 रियाल में जो है ना एक एक बंदा पे करता है, वो एक घर ले लेते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं 5-6 बंदे, तो मुश्किल से यानी कि वो अपने रूम्स में ही रहते हैं, उनके पास भी गुंजाइश नहीं होती। तो आप अपने जहन के अंदर ये सोच के आएँ कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं भी मुझे 2-3 महीने, शायद 4 महीने, शायद 5 महीने मुझे नौकरी ना मिले यहाँ पे, क्योंकि जो कंडीशंस चल रही हैं वो सऊदी अरब में जो लॉज अभी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वहाँ पे आज़ाद वीज़ों वालों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। वैसा ऐसा है कि अभी कंपनियों ने ये कह दिया, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलानात हो गए हैं कि जो बंदे आज़ाद वीज़ा का आज़ाद मतलब काम कर रहे हैं बाहर किसी कंपनी में, अगर वो पकड़े जाते हैं तो 50,000 रियाल जुर्माना जो है वो सीधा सीधा कफील को होगा कि आपका बंदा जो है वो इलीगल बाहर किसी कंपनी में काम कर रहा था, ठीक है जी। तो ये होता है कि सबसे पहले आपने रिहाइश अपनी, ये चीज़ें तो दूसरी हैं चलें कफील का जो भी है, लेकिन आपकी जो रिहाइश होगी, आपका खाना पीना होगा वो अपना होगा, ठीक है। आप कम से कम 2 से 3 हज़ार रियाल यानी पाकिस्तानी जो है वो 1 लाख रुपया लगा लें कि आप 1 लाख रुपया सऊदी एक्सचेंज करवा के तो यहाँ पे आएंगे, और आप जो है वो ताकि 2 से 3 महीने 4 महीने यहाँ पे किसी के साथ या अपना रूम लेके रह सकें, सही है जी। दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको मंथली यहाँ पे कफालत देनी पड़ेगी 300 रियाल से 500 रियाल के दरमियान, जो है ना जो रेट अभी तक जो चल रहा है 300 से 500 रियाल के दरमियान आपको कफालत देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो हो गया, यानी कि कफील लेते हैं, ये मंथली कफील लेते हैं, ये उनका एग्रीमेंट होता है कि आप जैसे ही बंदा यहाँ पे आएगा वो इतने पैसे मुझे देगा, ठीक है जी, महीने के बाद या 3 महीने बाद स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप जॉब सर्च करेंगे, जो इलेक्ट्रिशियन है, जो लेबर है, यहाँ पे जो मैन पावर सप्लाई होती है, जो मैन पावर सप्लाई कंपनीज होती हैं, कुछ सप्लायर्स होते हैं जो बंदे पकड़ के जो है ना आगे कंपनियों को दे देते हैं, बड़ी कंपनीज को दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई लेबर है तो लेबर का जो यहाँ पे रेट चल रहा है सऊदी अरब के अंदर वो 13-14 और मैक्सिमम 15 रियाल तक, ठीक है, 15 रियाल पर आवर, और मंथली जो घंटे आते हैं आप लगा लें 300 घंटा लगा लें यार, आपका 45,000 जो है ना 4500 रियाल बनेगा, यानी कि 4500 रियाल आप मंथली कमाएंगे, सही है। और उसके बाद क्या होगा कि आपने कफील को भी देना है, आपने अकामे के पैसे भी निकालने हैं, और आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का खर्चा भी आपने निकालना है जहाँ पे आपकी रिहाइश थी पहले, सही है। ये सारे अखराजात दोस्तों होते हैं, और उसके बाद सम टाइम बंदा 3-3 4-4 महीने फ्री रहता है, कोई काम नहीं होता, तो बड़ी परेशानी बन जाती है। मेरी आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अभी जो फिल वक्त जो हालात चल रहे हैं आज़ाद वीज़ा जो है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आप कंपनी के वीज़े पे आएँ, आप कंपनी का वीज़ा अप्लाई करें किसी एजेंट के थ्रू, उसको 2-3 लाख रुपया दे के आप 2,000-1,500-2,000 सैलरी पे यहाँ पे आके लग जाएंगे। फर्स्ट डे से आपकी जॉब जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, आपका खाना पीना, रिहाइश, आपकी हर चीज़ जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के ज़िम्मे होगी, वो कंपनी पे करेगी, आपको मंथली सैलरी मिलेगी 1,500 से 2,000, या
डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन कौन सा है, उस प्रोफेशन के मुताबिक जो है वो आपको अपनी सैलरी मिल जाएगी। अच्छा जी, अब सवाल ये भी लोग पूछते हैं कि किन किन लोगों को जो है वो आज़ाद वीज़े पे जो है वो फ़ायदा होता है। ऐसे प्रोफेशंस जो हाईली क्वालिफाइड हैं, यानी कि कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, और इस तरह से कुछ कोई सेफ्टी ऑफिसर हो गया, अच्छा यानी कि उसके पास एक्सपीरियंस है, या कुछ ऐसे लोग जो फॉरेन्स जो है वो रिटर्न्स हैं, यानी कि यहाँ से काम करके गए हैं, जिनका तकरीबन 8 साल, 10 साल, 5 साल से 10 साल के दरमियान एक्सपीरियंस है, तो वो लोग जो है वो उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ पे आते हैं तो उनके उनके एक्सपीरियंस की बेस पे उनको एकदम से जॉब मिलती है। ठीक है, इसमें मैं लेबर, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियंस को शुमार नहीं करूँगा, क्योंकि टेक्नीशियन लेबर, अगर कोई टेक्नीशियन डायरेक्टली भी किसी कंपनी में काम करता है तो उसको तकरीबन 2500 से 3000 सैलरी मिलेगी अगर वो ट्रांसफ़र दे देता है। ठीक है जी, लेबर का जो है वो बहुत कम रेट है, और इसके अलावा प्लम्बर जो है वो उसका भी बहुत कम रेट है। ड्राइवर्स का नॉर्मल सैलरी है यही 2200, 2500, 3000 मैक्सिमम। तो इंजीनियर, डॉक्टर्स, सेफ्टी ऑफिसर्स, और इसके अलावा कुछ और अकाउंटेंट्स वगैरह हो गए, कंप्यूटर आईटी की फील्ड में कुछ कोई बंदा हो गया, तो ऐसे बंदे जो है वो इनको रिक्वायर्ड होते हैं, तो वैसे बंदे जो है वो आज़ाद वीज़ा उनको मतलब फ़ायदा हो सकता है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए जो है ना, आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो वो आपको टाइम पे मिल जाए, आप उसको देख सकें। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।